हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सैमसंग FRP टूल शेयर करने वाला हूँ। इस टूल की सहायता से आप लोग सैमसंग के काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर पाओगे, FRP अनलॉक कर पाओगे। ये टूल 100% वर्किंग है, आपके सभी विंडो में अच्छे से काम करेगा। इस टूल को आप लोग भी यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। अगर आप लोग वीडियो को कहीं से भी स्किप करोगे तो हो सकता है टूल आपके PC या कंप्यूटर में ओपन ना हो, या फिर मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने के टाइम कोई भी एरर देखने को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों, मैं इस टूल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग टूल को वन क्लिक से डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको एक जिप फाइल देखने को मिलेगी। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले अगर आपके PC या कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस रन कर रहा है तो एंटीवायरस को डिसेबल कर लेना। एंटीवायरस डिसेबल करने के बाद जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड की है इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करना होगा, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपकी जो फाइल है एक्सट्रैक्ट होकर इस प्रकार के फोल्डर में आ जाएगी। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करना। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको एक मेन सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना है, उसके बाद यस करना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको इनिशियल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इनिशियल के ऊपर क्लिक करोगे, टूल आपका इनिशियल होने में स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इनिशियल कर चुका हूँ, इसलिए यस टू ऑल करता हूँ। यस टू ऑल करने के बाद टूल ऑटोमेटिक इनिशियल होने में स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका जो टूल है वो सक्सेसफुल इनिशियल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस टूल की सहायता से आप लोग MT के CPU, क्वालकम CPU के, सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोन अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारा टूल सक्सेसफुल इनिशियल हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको क्लोज करना। जैसे ही टूल इनिशियल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर इस प्रकार से एक शॉर्टकट आइकन देखने को मिलेगा। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना है, उसके बाद यस करना है। यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, टूल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस टूल को लॉगिन करना होगा। आपको यूजर नेम ऑलरेडी सेव मिलेगा, पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड को एंटर करना है। ये पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट में आप लोग जाओगे। मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो लॉगिन पासवर्ड है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अच्छे से इसको पेस्ट करना है। ध्यान से देख लेना दोस्तों, कॉपी पेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपका जो टूल है वो लॉगिन नहीं होगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर ये लॉगिन होने में स्टार्ट हो जाएगा। 5 सेकंड में लॉगिन होकर टूल ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। फर्स्ट टाइम टूल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट मिलेगा सैमसंग MTP। MTP मोड के थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, मोबाइल फोन को डाउनलोड मोड में रिबूट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट मोड के थ्रू FRP अनलॉक करने को मिल जाएगा। फैक्ट्री सेट कर सकते हो। MTP मोड से आप लोग किसी भी ब्राउजर को ओपन करके अपना FRP बाईपास कर सकते हो। यहाँ पर आपको ADB मोड के थ्रू ओल्ड सिक्योरिटी के फोन अनलॉक करने को मिल जाएंगे। आप लोग न्यू सिक्योरिटी के फोन को भी अनलॉक कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा सैमसंग MT के। यहाँ पर आपको जो MT के डिवाइस हैं इतने सारे मोबाइल फोन अनलॉक करने को मिलेंगे। मानो कोई भी फोन आ गया तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रीज FRP के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी देर में यहाँ पर बैटिंग फॉर USB डिवाइस के लिए आ जाएगा। उसके बाद अपने फोन को स्विच ऑफ करना, वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर देना। अगर आपका फोन कनेक्ट हो रहा है, MT के पोर्ट शो हो रहे हैं, तो आपका फोन 100% अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट मिलेगा सैमसंग QR कोड। यहाँ से आप लोग सैमसंग का जो QR कोड है उसको ओपन करके अपना FRP अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से आप लोग ADV ऑन करके FRP अनलॉक कर सकते हो, इससे भी आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग ADV मोड के थ्रू भी अपना FRP अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इमरजेंसी कॉल में कोड एंटर करके टेस्ट मोड ओपन होने के बाद ADV ऑन करना, उसके बाद FRP को अनलॉक कर लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा सैमसंग क्वालकम। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको क्वालकम CPU के इतने सारे फ़ोन अनलॉक करने को मिल जाएंगे। मानो कोई भी फ़ोन आपके पास आ गया, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से एक बार पोर्ट चेक कर लेना। इनमें से कोई भी फ़ोन आ गया, आपको बस अपने मॉडल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो 5 सेकंड में आपका FRP अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप लोग एक एक करके देख लेना। आपको सारे फ़ोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा सैमसंग डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड के थ्रू भी आप लोग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको इतने सारे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। मानो इनमें से कोई भी फ़ोन आ गया, अपने मॉडल को सिलेक्ट करो, फोन को डाउनलोड मोड में लगा के एक बार पोर्ट को चेक कर लो, उसके बाद इरीज FRP के ऊपर क्लिक करके अपना फ़ोन अनलॉक कर लो। आपको सारे फ़ोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। क्वालकॉम के भी काफ़ी सारे फ़ोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मानो इनमें से कोई भी फ़ोन आ गया, सबसे पहले अपना मॉडल सिलेक्ट करो, उसके बाद फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करके एक बार पोर्ट को चेक कर लो, उसके बाद दोस्तों इरीज FRP के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आपका फोन कनेक्ट है तो अनलॉक होने में स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड में आपका फोन कंप्लीट अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर मिलेगा ड्राइवर मैनेजर, यहां से आपके जो भी ड्राइवर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इस टूल को यूज करने से पहले ये ड्राइवर इनस्टॉल कर लेना, वरना आपका कोई भी फोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही है, इस टूल में 100% वर्किंग है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए आपको ये डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग टूल को वन क्लिक से डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद टूल को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके एंजॉय करो। अगर आपको डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो ग्रुप में मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।